हेलो माय डियर लिटिल साइंटिस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो बच्चे आज करेंगे हम क्लास नाइन्थ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज एपिडर्मिस क्यूटिकल एंड स्टोमेटा ठीक है जी तो घबराने वाली बात नहीं कि ये यह यहाँ पर जो एपिडर्मिस का जो वर्ड है से आ गया कैसे वाला टॉपिक है पहले तो कभी सुना नहीं है ठीक है तो एपिडर्मिस क्या है बच्चे एपिडर्मिस तो सभी बच्चों ने प्लांट्स को देखा होगा पेड़ पौधों को देखा होगा ठीक है तो उस पेड़ पौधों के डिफरेंट डिफरेंट जो आपने बॉडी पार्ट्स भी देखे होंगे जैसे लीफ स्टेम रूट वगैरह तो सारे के सारी चीजों को देखा होगा आपने तो जैसे आपको पता है कि जैसे आपकी बॉडी है बॉडी के जो आउटर कवर

प्लांट के बॉडी पार्ट्स चाहे वो लीव्स स्टेम हो गए या कुछ भी हो गया रूट हो गया जो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस तो बच्चे एपिडर्मिस का जो स्ट्रक्चर वो कैसे होगा जैसे ये वाला ऐसे ऐसे कुछ एक लेयर होगी छोटे-छोटे छोड़ सेल्स बनेंगे ठीक है ऐसे ऐसे एक लेयर होगी या कुछ पार्ट uh, में ये सिंगल लेयर हो सके कुछ में यहाँ पर ये डबल लेयर भी हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली तो नहीं बनाकर दिखा सकती लेकिन आपको बता सकती हूँ कि कुछ इस टाइप के सेल्स होंगे ठीक है तो यहाँ तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ठीक है सॉरी कुछ बॉडी पार्ट्स में सिंगल लेयर होगी और कहीं में ये डबल लेयर हो सकती है सो द एपिडर्मिस इज मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म सिंगल लेयर लेयर है लेकिन इट मोर देन वन लेयर थिक तो पर इसकी जो थिकनेस होगी तो वहां पर एक लेयर नहीं होगी सिंगल लेयर नहीं होगी एक से ज्यादा लेयर होगी क्योंकि तो एक से ज्यादा लेयर होगी इट मींस उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी द एपिडाम सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं ये वाले ठीक है ये जो सेल्स एपिडर्मिस लेयर के जो सेल्स है very means change, उसकी जो size है, shape है वो चेंज होता है ठीक तो है? तो हमारे पास इन बाय द स्टोमेटा तो पत्तों में क्या होएगा? जैसे ये लीव्स है ये एक पत्ता है here, एक लीफ है, ठीक है तो लीफ में क्या होएगा बच्चे तो यहाँ पर क्या है के कुछ के कुछ एरिया एरिया में में लीफ के यहाँ पर इस कुछ एक अलग स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कॉल्ड एस्टोमेटा तो आपने बच्चों ने आपने अपनी बुक्स में देखा होगा ना इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा दैट इज कॉल्ड एस्टोमेटा तो लीफ में ठीक है जैसे ये ऊपर वाली सरफेस है ये अपर सरफेस होगी ठीक है तो ये वाली कौन सी है लोअर सरफेस होगी पत्ते की जो आ, नीचे वाली जो सरफेस है वो कौन सी है लोअर सरफेस तो बच्चे याद रखना है जो लीफ की लोअर सरफेस है लोअर सरफेस के ऊपर इसकी जो एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर क्या होंगे स्टोमेटा होंगे ठीक है ये याद रखना है तो दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है इन लीव्स पत्तों में क्या होता है दे आर इंटरप्टेड ओनली बाय द स्टोमेटा कि लीफ में सिर्फ और सिर्फ जो एपिडर्मिस लेयर के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर आएगा वो कौन सा आएगा स्टोमेटा वाला आएगा एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो ये एपिडर्मिस लेयर है क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ले ली ना लीफ की पत्ते की एग्जाम्पल ले ली तो उसकी जो एपिडर्मिस लेयर होगी चाहे वो अपर लेयर हो चाहे वो लोअर लेयर हो या स्टेम का पार्ट हो या रूट्स का पार्ट हो ठीक है उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होगी दैट इज़ मेड अप फ्रॉम द एपिडर्मिस लेयर वो क्या करेगी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी कौन एपिडर्मिस तो बच्चे आप फिर दोबारा हम एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे कि व्हाट इज एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्या है के डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं प्लांट के पार्ट्स हैं उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है बाहर वाली परत होती है सरफेस होती है ठीक है दैट इज़ मेड अप फ्रॉम द एपिडर्मिस उसको हम क्या बोलेंगे एपिडर्मिस बोलेंगे और कुछ कुछ जगह पर ये जो एपिडर्मिस है सिंगल लेयर है और कुछ यहाँ पर क्या है एक से ज़्यादा लेयर होगी इसके अंदर जो सेल्स आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होंगे और पत्तों की यहाँ पर बात की है लीव्स की बात की है कि एपिडर्मिस लेयर के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा उसकी बॉडी के अंदर क्या आएगा स्टोमेटा आएगा और जो एपिडर्मिस लेयर है वो क्या करती है प्रोटेक्ट मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ठीक है संभालने में हेल्प करेगी जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करने में मीन्स रक्षा प्रोवाइड करेगी ठीक है सो नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्यूटिकल एंड वैक्स ल एंडस तो क्यूटिकल एंड वैक्स में क्या है तो क्यूटिकल इज द डिपॉजिटेड ओवर द आउटर सर्फेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स जैसे ये वाली एपिडर्मल लेयर मैंने बना दी ठीक है ये एपिडर्मल लेयर है तो एपिडर्मल लेर के ऊपर एक एडिशनल लेयर होएगी इसके ऊपर भी एक एडिशनल लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे क्यूटिकल ठीक है तभी लिखा है ना क्यूटिकल इज डिपॉजिटेज ओवर द आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये सारे के सारे इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज एपी सॉरी क्यूटिकल लेयर तो बच्चे जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो ठीक है कि जो एपिडर्मिस है ये वाली जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होगी ठीक है एडिशनल लेयर होगी जैसे ये वाली ये मैंने बना दी एक ग्रीन से

जैसे ये वाली होगी क्यूटिकल लेयर होगी ठीक है तो क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक एडिशनल चीज होगी दैट इज कॉल्ड एज वैक्स इसके ऊपर वैक्स प्रेजेंट होएगी तो देखो यहाँ पर क्या होएगा ये है एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल लेयर के ऊपर ब्लू वाली हमने क्या बनाई क्यूटिकल लेयर क्यूटिकल लेयर के ऊपर क्या होएगा वैक्स होगी सो दिस इज क्यूटिकल एंड वैक्स सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक थैंक यू